हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आज मैं आया हूँ फिर से बॉलिंग क्लब में। ये बहुत बड़ा स्टेडियम है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो ना, ये स्टेडियम बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। और ये स्टेडियम जॉगिंग के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो आरवी में प्रैक्टिस कर रहे हैं भर्ती की, और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं लोग, वो सब आते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। और बच्चे भी खेलते कूदते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आपको जॉगिंग वॉगिंग का शौक़ है तो यहाँ पे ज़रूर आओ। ओके, यहाँ पे जॉगिंग करने आओगे तो सही रहेगा। यहाँ पे हवा भी बहुत अच्छी आती है, मेरे को तो अभी बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। हम एक हफ्ते से यहाँ पे आ रहे हैं और एक हफ्ते से मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके, रिलैक्स फील होता है, हवा ठंडी ठंडी आती है और यहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग है। बच्चे भी खेलते कूदते हैं शाम को, और मॉर्निंग में तो यहाँ पे भीड़ ही भीड़ रहती है, क्योंकि बहुत से लोग प्रैक्टिस के लिए आते हैं, खेलने आते हैं, है ना। और आने वाले टाइम में ये स्टेडियम बहुत अच्छा बनेगा और बड़े बड़े मैचेस होंगे यहाँ पे। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत खुशी होगी कि उमेश भाई ने तुम्हें अच्छा स्टेडियम बताया खेलने के लिए और जॉगिंग करने के लिए। और यहाँ पे इसके बगल में बहुत अच्छा रोड है, बहुत लंबी 100 मीटर की रोड है, जिस पे आप अपनी जॉगिंग कर सकते हो, रनिंग मार सकते हो अच्छे से, जैसे मिल्खा सिंह होता है ना वैसे ही। अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो यहाँ पे ज़रूर आओ और मज़ा आएगा। मैं तो बस आपके साथ हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए आपका भाई हाजिर है, उमेश किंग भगेल। ब्लॉग मेरा है ये, मैंने एक हफ्ते पहले ही बनाया है आप लोगों के लिए। मेरे को अच्छा लगता है आप लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा प्रोवाइड करूं, और प्रोवाइड करने में मेरे को अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि मेरे को भगवान ने एक शक्ति दी है लोगों को अपनी बातें शेयर करने के लिए। और ये पवन भाई है हमारे, ये भी स्टेडियम में आते हैं रोज़, ये मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी आते हैं। मैं मॉर्निंग में नहीं आ पाता हूँ क्योंकि मेरी नाइट जॉब थी, इसके वजह से मेरे को ना लेट उठने की आदत हो गई है, इसलिए मैं टाइमिंग से इसे चलने के लिए लेट उठता हूँ। ये पवन भाई है, ये रोज़ सुबह भी आते, शाम को भी आते, और ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इनसे पूछ लीजिए कि कैसा एक्सपीरियंस है इस स्टेडियम का, बताइए पवन जी, कैसा लगा तुम्हें यहाँ के और कैसा लगता है ये बताइए। यहाँ पर भी बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे कई भाई बंधु आते हैं अपने जैसे। हाँ देखो, बता रहे हैं ना, जैसे मैंने आपसे बोला था वैसे बता रहे हैं। कई लोग कभी फौजी की तैयारी करे, कोई पुलिस की तैयारी करे, जी हम तो यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, ले गए राम का नाम, हो जाए सबके काम। ये भैया बोलते हैं कि उमेश भाई तुम भी आओ यूपीएससी की तैयारी करो। मैंने कभी सोचा नहीं था यूपीएससी की तैयारी करना, फिर पर पवन भाई मेरे साथ मिले हैं ना, तो अब मैं जरूर करूंगा कोशिश। कभी छोड़नी चाहिए, बरकरार रखो। ओके, कैसा लगा हमारा व्लॉग? अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, और अगर इसमें कुछ बात पूछनी हो, कुछ गलत लगा हो ना, तो कमेंट में शेयर कर दीजिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, उसे ही से बताऊँगा। ओके, चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं। अरे केजरीवाल करता बवाल, अरे केजरीवाल, अरे मन के द्वार, तेरे मन के द्वार हम गुजरे। ये भाई केजरीवाल के बहुत अच्छे भक्त हैं, इसलिए उनके लिए इन्होंने अपने मीठे बोल बोले हैं कुछ चाहिए ना यार। मुझे मीठा बहुत पसंद है, मन केक ले आया कर, मन दही बहुत पसंद है, जरा शक्कर ले आया कर। अपना गाना बनाओ ना यार, क्यों दूसरा का गाना गा के पकड़े हो अपना गाना। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। लो भाई को आ गया, इतना नहीं। कौन भाई, कुछ कहना चाहते हैं आपसे, सीरियस से सुनना ठीक है। वो कहना उमेश भाई, मैं शेर की तुम बनने से अच्छा मैं बिल्ली का सिर बनू। ओ माई गॉड, क्या बात है भाई, लोगों के दिल पे लगती। टाना 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 टाना।
आ रे, आ रे। चलो ठीक है, बाय बाय।